नमस्कार, खबर तहकीकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। क्या इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है जो आए दिन कत्ल जैसी वारदातें सामने आती रहती है? ऐसा ही एक मामला कस्बा खुर्जी है सामने आया है, जहां एक युवक अपने दोस्त के साथ घर से निकलता है और दूसरे दिन उसका गोली लगा शव मिलता है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के बुर्ज उस्मान निवासी दीपक कल 3 बजे अपने दोस्त के साथ घर से निकला था। जब काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिजनों को सुबह जानकारी मिली कि दीपक का गोली लगा शव सड़क किनारे पड़ा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने बताया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वे मृतक युवक के दोस्त को हिरासत में लेकर मामले की जाँच की जा रही है। खुर्जा से खबर तहकीकात के लिए कदीम खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पावन। कौन है आप, क्या लगते हैं इसके? मैं चार चला हूँ। क्या घटना हुई थी? घटना हुई, हम 3:45 बजे आए, वहाँ बेटा हमारा पड़ा वहाँ पर जय कुछ नहीं था। जय कुछ हाँ। कितने बजे की घटना है ये? कम से कम 4 बजे की बात है, 4:30 बजे की बात है। आपको कब पता पड़ा? हमारे हमारे मोहल्ले का लड़के ना उन्हें उन्हें फोन उनको आया और हमारे लौंडा की गोली मार दी। हमारे जो गोली मार दी और वो नहीं दे रहा, हमें अस्पताल में जाने घूमने अस्पताल कहना हमारे लौंडा वहाँ पर ऊपर हो, उसकी सारी सब दी है मुझे लगे। कितने दोस्त हैं? ज़्यादा ये दोस्त हैं जिनने कहीं को जो घर पर आया हुआ ना कहने वो जब तुम अस्पताल में ले जा रहे हो क्लास में और नहीं कुछ सुनिए पर हो मरा हुआ क्लास का अस्पताल है जी क्लास हाँ नहीं कुछ सुनिए पर हो मरा हुआ मेरा भतीजो और बहन जो नौके रहोगे मैं क्लास में देखिया कोई ना सूरज नाम है उसको मैं घर पर आ सूरज नाम को हमारे भतीजे वहाँ आए क्लास में गोली लग गई हम देखिया ना सब मिला है। क्या मामला है पूरा? यह सुबह का प्रकरण है। सुबह लगभग 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव नेहरूपुर से बुर्ज उस्मान जाने वाले रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है। उस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंची। मृतक की शिनाख्त दीपक पुत्र प्रमोद निवासी बुर्ज उस्मान के रूप में हुई है और शव को प्राथमिक छानबीन के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। सर कोई हिरासत में के लिए? मृत्यु के सही कारण का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा, लेकिन जैसा घर वालों द्वारा संदेह व्यक्त किया गया और जो पुलिस ने छानबीन की है उसके आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। गोली लगा हुआ है क्या मारपीट से? ये अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन शरीर पर चोटों के निशान थे। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी वे बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। अपने जनपद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और खबर तहकीकात की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।